हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोर लाइज ऑफ पी। लास्ट एपिसोड के एंड में अपन ने एक और मिनीवर्स मारा जो काइंड ऑफ जो डबल शील्ड वाला रोबोट अपन ने फैक्ट्री में मारा था उसी के जैसा सिमिलर है। अपन को एक नई एनपीसी मिली जिसने कोई आर्क बिशप का कोई सिंबल या समथिंग मार्क आर्क बिशप मार्क मंगाया है उसके लिए एक साइड क्वेस्ट है। एक दूसरा एनपीसी भी मिला था जो अपन से कोई गोल्ड कॉइन फ्रूट ला के देने के लिए बोल रहा था। इसके अलावा अपन को एक क्यूब मिला जिसमें तुम अलग अलग विश स्टोन्स लगा सकते हो। फिलहाल अपने पास एक ही विश स्टोन है जो हीलिंग विश स्टोन है एंड तुम एक बार इसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें अपने चेक पॉइंट पे स्टार गेजर पे उसे रिफिल करना पड़ेगा। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड व्हाट द फक। ये क्या ऊपर से नीचे भी गिर सकते हैं। ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता हो उसे मारने के लिए। ओह ये तो जा रहा है रास्ता। नीचे कौन सा एरिया है? नीचे 100% लोकेशन तो है। आई थिंक यहां से जा सकते हैं अपन। ओ यहाँ पे तो सामने तो बॉस फाइट वाला रूम आ गया। दिस इज माई कैथेड्रल वॉज बिल्ड एंड रिमेम्बर्ड पिलग्रिम्स वर्शिप द मर्सीफुल एंजल। अरे ये बारी बारी से मार रहे क्या अपन? अच्छा सीधा नहीं जा सकते, घूम के आना पड़ेगा। ओके मुझे ऐसा लगा था अपन सीधा बॉस फाइट को जा सकते हैं, तुम अपेरेंटली सीधा नहीं जा सकते हो। अरे 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 नहीं, ओ मेरा हील हुआ नहीं क्या? और हील अगर हुआ तो फिर इतने जल्दी स्नेक अटैक में कैसे मार दिया? ये अगर तुम्हारे ऐसे बड़े वेपन्स होते हैं ना, स्पेशली ऐसे स्ट्रेंथ टाइप के वेपन्स, जैसे एक लो, ऐसे जो छोटे एरियाज है ना उसमें दिक्कत हो जाती है। मैं अटैक नहीं कर पाता अगर ये देखो। नहीं अभी ऐसा नहीं, कोई ऐसा इससे भी छोटा एक हॉलवे चाहिए। ये आजू बाजू के दीवार पर टकरा के उसका एनिमेशन रुक जाता है। अरे यार इसके बारे में भूल गया था मैं। ये इसकी बात कर रहा था अभी, देखा दीवार पे टकरा के रुक गया। ओ मुझे लग रहा है मैंने हील नहीं, मैंने ये लगा लिया था, ये जो है ना तभी तभी मैं मरा एक हिट में। मुझे लग रहा है मैंने हील नहीं लगाया था।
जा भाई। हीलिंग सारी खत्म हो गई है, थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। ये किधर जा रहा है? I can't find the way out. Monsters everywhere. I need to grab my share and leave. ये मैं किधर आ गया? वो बॉस फाइट तो नीचे था और उधर नीचे जाने का भी कोई रास्ता था। ये अपन किधर आ? वो रहा कार्ट होटल जहाँ से अपने स्टार्ट किया था, जहाँ पे अपन अपना स्पेक वगैरह बढ़ाने के लिए जाते हैं ना, जेपेटो सब उधर ही है। और ये आई गेस वो फैक्ट्री है, वो कार्ट होटल है। ये वाला एरिया देख के ऐसा लग रहा है जहाँ पे अपन ने उस क्रैप्ड वॉचमैन से लड़ा था, जो सेकंड बॉस था ना, देख के वो एरिया वैसा टाइप का लग रहा है जो सबसे नीचे क्लोज में। बट इतना क्लोज कैसे है वो एरिया? चलो इससे बात करते हैं। German I thought I was the only one with a sound mind here. Sure, I don't need to introduce myself. Note these golden wings. Yes, you guessed it. You don't know who I am. Preposterous! Everyone in Kraat has heard of me. Do you live under a rock? I'm Alidoro the Hound, treasure hunter extraordinaire. Yes, yes, it's a nickname. I ditched my real name in the past. I'm looking for other survivors of this disaster, but it's been a lonely search, and there's danger around every corner. Do you know of a place where I can take refuge? Preferably someplace clean and comfortable, you know, civilized. Cart hotel. Menigini works hotel cart. Hotel Kraat, of course, a haven for all, and it's still safe and sound. You say. I have a lot of searching ahead of me, so why don't I lighten my load? Consider this an act of charity. A thank you gift. Take it. क्या दिया इसने? Fire abrasive. अच्छा ये तो single time use है। तो ये hotel अपन इसे hotel card भेज सकते थे। Venigini Works कौन सा है? Factory का नाम है शायद Venigini Works जो है ना। Since you're so helpful, I'll give you a peek at my collection. Show me what you're worthy of. अच्छा ये भी vendor ही है। Killing strong enemies to gain rare ergo. अच्छा अपन rare ergo इसको दे सकते हैं। Alidoro is treasure hunter who collects this rare ergo. You can exchange it for Alidoro's precious weapons or amulets. Okay. Ooh. क्या लग क्या रहा है बट इसको खरीदने के लिए? अच्छा parade master's ergo। अच्छा तुम इन दोनों में से एक ही खरीद सकते हो। Enables dodging even with low stamina. ये broken heroes ergo। अच्छा ये second वाले boss का है। Increases weapon attack in proportion to the number of payable slots. And what is this? Upon a successful perfect guard, temporarily increases damage inflicted by weapon attack. अच्छा, perfect guard करने के बाद। हाँ। Strength weapon है ये। 18.7, 129 plus 55, 140 plus 60.
21.2 Holy Sword of the Ark, King's Flame Ergo, and this is Parade Leaders Ergo. 7 explosions. A strong downward blow when you cut downward. Multiple explosions will deal damage to the enemies in front of you. और ये क्या है? Guard parry. Time the enemy's attack correctly to deflect it and trigger a powerful attack. Okay, और ये वाला तो चाहिए नहीं मेरे को. Increases the attack in proportion to the number of fable slots. ये करता क्या है? Single jab. Gather your strength for a big forward piercing attack. Yeah, umbrella type का weapon है ना? Perfectly block the enemy attack temporarily absolute counter. Right after a successful guard, use fable art to trigger an extra attack. Descaling and A scaling. ये B scaling है. ये भी B scaling है. इसका क्या? Patient smash. Gather your strength for a strong hit. Hold down the attack button for okay. वो patient smash हो गया. Alter क्या? Transform the length of the handle. After transforming, stamina consumption is reduced temporarily. Oh, that sounds useful. ये special boss weapons को I think अपन तोड़ मरोड़ नहीं सकते. अब सवाल है क्या लेना है. I think अपने पास दो option है. मुझे इससे ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है क्योंकि इसके जो फेबल आर्ट है ना वो सस्ते है. इसका फेबल आर्ट तीन तीन स्लॉट वाला लग रहा है. इसका डैमेज भी ज़्यादा है. 140 प्लस 60 129 प्लस 55 बट इसका वेट भी ज़्यादा है. ये गार्ड भी ज़्यादा ब्लॉक कर रहा है. ये कम कर रहा है. ओके आई थिंक ये वाला अच्छा लगेगा. एनेबल्स डॉजिंग इवन विथ लो स्टैमिना ना. यहाँ से इसका ये उठा लेते हैं. अब इसका क्या करना है? अब इसका तो मुझे बिल्कुल यूज़ नहीं है. ये यूज़फुल हो सकता है बट अपने पास तीन ही स्लॉट्स है. जब अपन फेबल स्लॉट्स बढ़ा लेंगे तब या तो ये ले सकते हैं वरना मैं इसका एर्गो 5000 का मैं यूज़ भी कर सकता हूँ. देखते हैं. वो मैं फ़िलहाल अपने पास ही रखता हूँ. ओके इसका एर्गो कितने का है? आई थिंक अपन या 5000 मिल जाएंगे मुझे उससे. देखते हैं. वो अपने हाथ में ही रखते हैं फ़िलहाल अभी के लिए. हाँ ओवरवेट जा रहा हूँ मैं. अच्छा आई गेस वो एमुलेट लगा सकते हैं अभी. पपेट डिस्ट्रॉयर एमुलेट की जगह पे. यस 56 हो गया. बढ़िया. एंड ये वाला क्या करते हैं? इंक्रीजेस मैक्सिमम एचपी. इसके जगह पे एचपी मुझे लग रहा है अपने पास अच्छा खासा है. ये वाला लगा लेके एनेबल्स डॉजिंग इवन विथ लो स्टैमिना. ओ शिट ये इतना हैवी क्यों है? 19.6 17.6 नहीं दो वेट है इसका. इसका तीन है. इसका दो मतलब ये इतना है क्यों? ये एमलेट डांसिंग वन एमलेट एनेबल्स डॉजिंग. ओह शिट तो इतना ज़्यादा हैवी एमलेट था मैंने नहीं देखा. ओके आई थिंक शायद ये बंदा भी होटल कार्ट में आ जाएगा शायद.
ओ यहाँ पे रास्ता है। अपन अभी स्लाइटली हैवी है तो अपना स्टैमिना वगैरह धीरे धीरे रीजनरेट होता है, बट मेरा स्टैमिना अगर कम भी है ना तो भी मैं डॉज कर सकता हूँ, तो मुझे देखना वो कितना अच्छा वर्क करता है अपने साथ। बराबर सिंक में बैठ रहा है कि नहीं देखना, अगर नहीं बैठ रहा होगा तो वो एमुलेट में हटा दूंगा। ओके यहाँ से बॉस फाइट पे जा सकते हैं, तो वो तो समझ में आ गया। ये अपन वापस चेक पॉइंट वाले रूम में आ गए। तो कोई शॉर्टकट वगैरह नहीं क्या सीढ़ी गिराने के लिए? नहीं है, नहीं तो मुझे लगा अपन सीढ़ी कुछ गिरा के फिर सीधा बॉस फाइट पे जा सकते थे ऐसा। आर्कबिशप्स डायरी। ओ भाई आराम से। आर्कबिशप्स होली मार्ग, अच्छा यही तो मंगाया था उसने। वर्कशॉप यूनियन स्ट्रेंथनिंग फ्रेम। हाँ क्या करते हैं ये, कैन ऑब्जर्व फिजिकल डैमेज रिडक्शन। हाँ अपन स्लाइटली हैवी है फिर यही पहन लेते, और क्या वेपन बहुत हैवी है यार ये वेपन तो हैवी है ही, ऊपर से ये क्या इसका वेट इतना क्यों है? 21.2 है ये वेपन का वेट, इसका वेट ऑलमोस्ट अपने वेपन जितना है। डांसिंग वंस एमलेट जो है ना, एन एमलेट दैट कैन बी इक्विप्ड ऑन द पपेट, इन्फॉर्मेशन एंड मेमरीज दैट आर यूजफुल फॉर द मोमेंट कैन बी इम्प्रिंटेड ऑन द वगैरह वगैरह। द बेस्ट परेड इज नेवर स्वेड बाय एनी ऑब्स्ट्रक्शन, वन मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू मेक अ ग्रेट एफर्ट टू पुट एन मैग्निफिसेंट शो। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट बताऊँ ना, ये मेरे दूसरे वेपन्स है, इनका वेट देखो 13.3, 15.8, इसका 21.6 है। ये अकेला वेपन है जो मेरे ये सॉर्ड से थोड़ा वेटेड है, वो तो दिखता भी है, ये इतना ज़्यादा स्लो है, तो इसका वेट मेरे कुछ वेपन से भी ज़्यादा है, समझ रहे हो? ऐसे में स्लाइटली हैवी पे जाना नहीं चाहता था, बट आई गेस अगर अपन स्ट्रेंथ बिल्ड खेल रहे तो स्लाइटली हैवी पे ही खेलना पड़ेगा। अगर मैं एमलेट हटा दूँ तो शायद अपन, एक सेकेंड, क्योंकि मैंने अभी एक दूसरी चीज़ लगाई है, नहीं तब भी अपन हैवी ही है। मुझे वो एक चीज़ कुछ तो हटाना पड़ेगा, जो मैंने दूसरा रिंग लगाया ना ये या तो कम करना पड़ेगा, नहीं तो ये इनमें से कोई एक आधी चीज़ कम करनी पड़ेगी। ओह थैंक यू, जस्ट सीइंग द आर्कबिशप्स होली मार्क रिन्यूज माय स्पिरिट। It's a reminder of the quiet power of faith. I'll remember this forever, Stalker. It's a reminder of the. बस इसने कैम्ब्यूल पकड़ा है लॉल, मिला कुछ और मिलेगा। शायद ये गेट अपन नीचे से जाके खोल सके, सामने जो गेट है ना, ट्राई करते हैं। तो फिर मे बी अपन बॉस फाइट सीधा नीचे से जा सके सीधा सीधा।
अरे यार इसके बारे में हर बार भूल जाता हूँ। बटरफ्लाई किधर है भाई? दिस कर्स्ड प्लेस, दिस इज कर्स्ड, इट इज द अबिस हेल, यू कैनॉट लीव, द ओनली थिंग वेटिंग फॉर यू इज डिस्पेयर। लीजन कैलिबर, ओके। हैं? ये कुछ और था, नॉर्मल बटरफ्लाई नहीं था, इतने जल्दी गायब नहीं होती है नॉर्मल बटरफ्लाई। ट्रैप संभल के वापस स्पॉन हो रही है क्या बटरफ्लाई इधर? मुझे बाद में आके देखना पड़ेगा बटरफ्लाई इधर स्पॉन होती है कि नहीं। They call it arm of the god, you arrogant ones, you have called you have called the wrath of god upon yourself. Okay, ye to idhar connect ho gaya. Ek aur wo butterfly spawn hoke dekh ke aata hu. बॉस फाइट पे जाने का और कोई जगह नहीं है क्या? मतलब हर बार इतना घूम के जाएंगे क्या अपन बॉस फाइट पे? हर बार घूम के जाना पड़ेगा लग रहा है। वैसे ये वेपन अभी लेवल 1 पे है, मैंने इसे अपग्रेड भी नहीं किया है। मोटिविटी स्केलिंग इसकी कितनी? बी है ना, बी है। और डैमेज कितना दे रहा है? 200 दे रहा है, यानी कि अपन जो यूज़ कर रहे थे उससे तो ज़्यादा ही दे रहा है। बट ऑब्वियसली उससे ज़्यादा स्लो भी है। चलो बॉस फाइट का ट्राई करते हैं, सीधा बॉस फाइट को भागेंगे अपन। एक सेकेंड, 4700 है वो पहले खर्च करके आते हैं। क्योंकि एक तो ये बॉस फाइट दूर है थोड़ा, इसके अलावा बीच में भी एनिमीज भी आएंगे। ये देखो अच्छी स्केलिंग दे रहा है, पहले जो वेपन था ना वो +2 देता था, ये +5 दे रहा है एक पॉइंट पे। वेलकम टू होटल क्रॉ। ओ यही है पॉलीडिन। This is a supply box, officially approved by the city of Krat. I shall open it and add it to the hotel. Welcome. Okay. क्या 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 ऐड हुआ तेरे पास? इसके पास ये तीनों चीजें पहले से थी, ये एक नया आया, ये दो ये नया आया। अच्छा ये कितने का है? अपग्रेड स्पेशल वेपन ब्लेड अप टू 3। अच्छा दो बेच रहा है ये, +3 ठीक है।
एंड ये क्या फ्रेश एप्पल, इट लुक्स लाइक इट इज बर्स्टिंग विद स्वीट रिफ्रेशिंग जूस, अ स्वीट एप्पल, इट इज पर्टिकुलरली प्रेशियस इन कार्ड दीज डेज. आई थिंक ये तुम कितना भी खरीद सकते हो, ये दो ही है इसके पास, ये मैं लेके रख लेता हूँ. मुझे लग रहा है ये अपन किसी को दे सकते हैं इसलिए, और मेरे पास 1000 पड़े भी थे और अपन बॉस फाइट में जा रहे थे तो खर्च कर लिया उसे मैंने. इसका हैंडल लंबा होता है ऐसा समथिंग था ना कुछ. जगह नहीं इधर. जब भी अपन इसका हैंडल लंबा करते हैं ना उसके बाद थोड़ी देर के लिए कम ये कंज्यूम होता है, क्या कहते हैं इसको, स्टैमिना. ओ मूव सेट बदल गए, ओके नाइस, बढ़िया, बहुत बढ़िया. मुझे लगा था बस रीच बदलेगा, मूव सेट भी बदल गया. और इसका फॉलो अप भी काफी तेज है, ये देखो ये फर्स्ट अटैक स्लो है, फॉलो अप काफी जल्दी आता है. और कुछ मूव्स देख रहे हैं तो इसका अब ये पोक मुझे स्पेशली बहुत बढ़िया लगा, रेंज अच्छा देगा अपन को ये. और कौन सा मूव है इस पे, कॉम्बो. वेपन सही लग रहा है मुझे, देख थोड़ा और खेलना पड़ेगा, प्रोबेबली बॉस फाइट के बाद आइडिया लग जाएगा. बड़ा वाला बंदा स्पॉन नहीं हुआ वो अच्छी बात है. ये ऊपर आ रहा है क्या, आ रहा है. क्या मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती है, मतलब बड़े वेपन्स यूज करने वाले क्या करे, ये तुम्हारे हॉलवेज इतने छोटे हैं. तो इसका रनिंग स्लैश भी सही है, ये देखो कंपैरेटिवली वेपन के साइज एंड इसका जो स्पीड है उसमें थोड़ा सा बैलेंस है जो मुझे सही लगा. एज कम्पेयर टू वो जो पाइप वेपन था वो बेकार था, उसके मूव सेट्स भी गंदे थे, बैलेंस भी नहीं था. किधर था बॉस फाइट, ये क्या है,
अच्छा ओके, आप समझ गया। मैं वही सोचा बॉस फाइट के लिए इतने दूर भाग के आऊंगा कि हर बार। ये हुई ना बात, कोई सीन ही नहीं, तुम सीधा बॉस फाइट को जा सकते हो। इधर ऊपर कुछ छूटा है क्या, जस्ट देख के आता हूँ। नहीं कुछ नहीं। अच्छा यहाँ से तो गए ही थे अपन। अच्छा ये वेपन में से वापस छोटा कब होगा, जब मैं वापस अपना फेबल आर्ट यूज करूंगा शायद तभी छोटा होता है, और तब मुझे वापस स्टैमिना थोड़ी देर के लिए कम यूज होगा। क्या पेशेंस स्मैश तो नॉर्मल है, गैदर योर स्ट्रेंथ फॉर स्ट्रॉन्ग हिट, होल्ड डाउन द अटैक बटन टू एक्टिवेट अ स्ट्रॉन्गर अटैक, ट्रांसफॉर्म द लेंथ ऑफ द हैंडल आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग, स्टैमिना कंजम्पशन इज रिड्यूस टेम्परली। सबसे बढ़िया बात यह है ना कि उसको सिंगल स्लॉट यूज होता है, सिंगल, अपने पास तीन ब्लू है ना, सिंगल स्लॉट यूज होता है, वो मुझे सबसे सही लगा। And sing praise for the new saint has arrived. Saint Andreas will Saint Andreas मर गया किसी ने लिखा था ना, will consecrate this land. एक बार ये boss fight में अपन summon use करके देखते हैं। मैंने सुना है जातक की ना, जब भी तुम समन करते हो तो वो बॉस को हराने से जो वेपन तुम्हें मिलेगा वेंडर को भेजने से, समन वो वेपन यूज करता है, तो तुम्हें एक तरीके से पता चल जाएगा कि इस बॉस को हराने से क्या वेपन मिलता है। बॉस रूम थोड़ा छोटा नहीं लग रहा है एज कम्पेयर टू जो दूसरे मेन बॉसेस अपन लड़े उनके हिसाब से। अच्छा यहाँ इसको देखा तो था अपन ने, यही बॉस होगा, स्टार्टिंग में आया था उधर, एकदम स्टार्टिंग में तो भाग गया था ये एरिया के। वापस भाग गया, और उसका मास्क गिर गया नीचे। ओ भाई ये क्या था, अपन ने बस थोड़ा सा देखा था उसका चेहरा ही, उसकी बची हुई बॉडी है। अब तक का सबसे गंदा बॉस जो दिखा सकते हैं ना उस टाइप का, एकदम गंदगी टाइप का बना रखा है इसे, मकड़ी जैसा लग रहा है देख के। तो ये रहा समन, सेकेंड फेज होगा क्योंकि कम एचपी थी इसकी, सेकेंड फेज है। जितने जल्दी बॉस मरा मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ है करके।
क्योंकि सेकंड बॉस वगैरह जो था ना वॉचमैन स्क्रैप्ड वॉचमैन उसकी एचपी इससे ज्यादा थी एंड वो डैमेज भी इससे ज्यादा कर रहा था। अच्छा अब अपन शायद इससे लड़ेंगे बिशप से, ये छुप के बैठा था उसके बॉडी के अंदर। लॉल ध्यान नहीं दे मेरी एचपी कितनी थी शायद मेरी एचपी कम रही होंगी। वेपन मुझे अच्छा लग रहा है पर यार ये वापस छोटा हो गया। कोई नहीं अटैक करके जब वो आ जाएगा, क्योंकि मुझे इसका एक्सटेंडेड वर्जन जो है ना वो ज्यादा यूजफुल लग रहा था। एक चीज मुझे देखनी है, जैसे अभी अपन ने उसको समन किया बट अपन बॉस फाइट हार गए, तो ये कम होता है कि ये उतना ही रहता है 30 है ना अपने पास। ठीक है देखते हैं।
उसमें स्टन अटैक आ गया था, बट क्योंकि वो खड़ा हो गया तो मैं डैमेज नहीं कर पाया। ओके तो एक्चुअली यूज हो जाता है भले तुम बॉस फाइट जीतो या हारो। There we go. Oh, first phase हो गया।
क्या अटैक था? मर गया ना कि एक और फेज मर गया मर गया। वेपन तो बढ़िया है, ये बॉस फाइट भी दो फेज से थोड़ा सा टफ हो सकता था, बट क्योंकि अपन ने इसमें समन यूज किया। ये क्या हो रहा है? अच्छा ये वो सारे बॉसेस है जिनको अपन ने मारे, उनका एरगो कहीं तो जा रहा है उड़ के। ठीक है, जैसे चार मेन बॉसेस अपन ने मारे ना वो, और ये वही बिशप था जिसको अपन ढूंढते आए थे, आर्क बिशप एंड्रियस या जो भी। एंड नाउ द स्टेज इज सेट। ये बंदा पता नहीं एग्जैक्टली कौन है, जेपेटो जैसा लग तो नहीं रहा था, बट ये चारों काम अपन से जेपेटो ने ही करवाया है। इन सबको मारना ना। I want to go back to the old Krat. The only before the greed overtook me. ये शायद वो बिशप की आवाज थी। यप, ये क्या है भाई? अच्छा ये बिशप के ये बेच के ये ही वेपन मिलेगा। ये एक्चुअली अपने स्पेक्ट्रम में गिरा है, मुझे लग रहा कोई बग या कुछ होगा ग्लिच, उससे ये गिरा हुआ है इधर। अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर अपन सोलो भी करते हैं ना तो भी उतना टफ नहीं होता। बस सेकंड फेज का मेन चीज मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम उसके पूछ से लड़ सकते हो, या अगर तुम घूम के जाओगे तो फर्स्ट फेज में तुम जिससे लड़ रहे थे उसी से लड़ सकते हो, क्योंकि सेकेंड फेज में ऑलमोस्ट सारे मूव उसके सेम है। मुझे कैसे पता चला, मतलब पता हो गया, अगर तुम देखोगे मैं जितने भी बार मरा था सेकेंड फेज में, मैं वो पूछ से लड़ने की कोशिश कर रहा था। ये अकेले एक टाइम है जिसमें मैं सामने आके मैं पूरे देर सामने वाले बॉडी से लड़ा, एंड अपन उसके सारे अटैक्स ब्लॉक करके फिर अपन उसे डैमेज कर रहे थे। तो मुझे लग रहा है इसको मतलब थोड़ा हराने का टेक्निक वही है कि तुम इसके मेन जो बड़ी वाली बॉडी उस पर फोकस करो। पूछ का एक सीन भी ये है, वो जो पूछ जैसा, एक्चुअली उसका जो पूछ जैसा उड़ता हुआ है वो उसकी मेन बॉडी, आर्क बिशप की बॉडी है। वो हल्का सा हवा में फ्लोट करते रहता है, तो कभी कभी तुम्हारे स्विंग्स ना मिस हो जाते हैं उस पर, मैंने नोटिस किया। ये वेपन को अपग्रेड करते हैं, मुझे क्योंकि पसंद आया ये। You know that stalker, the hound? Is it true you brought him here? Wow, I didn't know he was still alive. Thank heavens. I haven't seen him in person, and I don't know how I'd react. How do you thank the man who saved your life? I'm so glad that someone so kind has reached safety. And speaking of safety, please take care of yourself out there. Oh, wo hound ne iski jaan bachayi thi kabhi to. You're not the only one who's curious. Most people get around to asking where I'm from. My looks give it away, don't they? Suffice it to say, I'm from the country of the morning, beyond the ocean. But I wouldn't be much of a tour guide. All I know about it is that my family was a house of weapon specialists. It's quite a reputation to live up to. They almost took charge of planning for the grand exhibition. But that's their reputation, not mine. And they deserted me when I was little. I don't even know who they are. And my reputation is my own. I suppose my only connection to them would be weapons. So I'm an orphan, and that hardly makes me exotic in Krat. Can I help you with anything else? ये सब पूछा ही नहीं था।
खुद ही बताने लग गई। ओके डार्क बून ये एक ही है मेरे पास है ना। प्लस 30 डार्क मूनस्टोन ऑफ द कवनेंट एक और लगेगा, बट इस पे ऐसा कुछ लिखा था ना कि ये बॉस वेपन्स को प्लस 3, अच्छा प्लस 3 तक ले जाने के लिए ये लगता है, उसके बाद कुछ और लगेगा। मैं गलत समझ बैठा, मुझे ऐसा लगा कि प्लस 1 इससे ये प्लस 3 तक चले जाएगा। ओके वेलकम। Okay, there we go. The cathedral. Maybe those at the bedroom. I'm worried about the Malam district, just below the cathedral. I wonder whether they're a monster. I will use my power. अच्छा मुझे लग रहा है अपना next stop मालूम district होगा, cathedral के नीचे ये बोल रहे हैं ना कोई district है। ओके अच्छा 20 तक ये प्लस 5 दे रहा था, 20 के बाद मुझे लग रहा है प्लस 4 दे रहा है। इस पे पॉइंट डालना है क्या, क्योंकि अपन ऑलमोस्ट हैवी वाला हिट कर चुके हैं। आई थिंक हेल्थ अभी 25 कर लेते हैं, उसके बाद कैपेसिटी में थोड़ा और पॉइंट डालेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है विगर अभी ठीक है, हमें स्टैमिना इतना ही दिक्कत नहीं हो रही है, एस्पेशली ये वाले वेपन के साथ तो और सही है, क्योंकि इसका जब भी मैं हैंडल एक्सटेंड या छोटा करता हूँ तो फिर ये थोड़ी देर के लिए कम स्टैमिना यूज होता है, विच इज़ नाइस। आई थिंक अपन एक और लीजन आर्म बना सकते हैं। अच्छा इससे अपन कोई भी लीजन आर्म बना सकते हैं, लीजन आर्म की भी अपनी अपनी स्केलिंग है, बट आई डोंट थिंक तुम्हें देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वाली स्केलिंग मोटिविटी के साथ सबसे अच्छी दे रही है, बट आई डोंट नो ये एग्जैक्टली अच्छा है कि नहीं है। लीजन आर्म दैट कैन इंस्टॉल अ मोशन सेंसिंग लैंड माइन, द लैंड माइन इज बरीड इन द ग्राउंड, इट एक्सप्लोड्स अपॉन एनिमी डिटेक्शन। एसिड फेंकने वाला लीजन आर्म ये मुझे सही लग रहा था। अ लीजन आर्म दैट कैन ब्लॉक एनिमी अटैक्स विद अ लेफ्ट आर्म व्हेन इट रिसीव्स अ ब्लो, द एम्बेडेड डिवाइस एक्सप्लोड्स एंड डील्स डैमेज टू द एनिमी। ब्लॉक करते वक्त अपन डैमेज दे रहे हैं। इसका और क्या क्या है, गार्ड अटैक, इसका मेन क्या है, व्हाइल परफॉर्मिंग अ गार्ड काउंटर चार्ज फॉर अ मोर पावरफुल अटैक, दैट साउंड्स नाइस। ये तो और बढ़िया लग रहा है, कैन मेक वेपन अटैक वाइल गार्डिंग, गार्ड करते हुए वेपन अटैक करो। शील्ड उठा ले क्या, और क्या क्या है, ये तो तुम गोली मार रहे हो, ये एसिड वाला है एंड ये लैंड माइन लगाने वाला है, बाकी तो अपने खुल गए बाकी सब, तो ये चार ही है ऑप्शन। इसमें अपन को एनिमी को बेट करना हो सकता है, मैं ये सोच रहा हूँ ये बॉस फाइट में यूज आएगा क्या, उठा लेते हैं ये, देखते हैं क्या सीन है, पसंद नहीं आए तो कुछ और ले लेंगे बाद में। इंक्रीज द एनिमी डिटेक्शन टाइम आफ्टर इंस्टॉलेशन, इंक्रीज द मैक्स नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन, नहीं इतना काफी है, एक एक अपग्रेड भी कर लिया अपन ने। आई हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग द पपेट फ्रेंजी एंड इट लुक्स लाइक आई नीड योर हेल्प, फर्स्ट
Let me show you a little something I've been working on. I call it the Ergo Wavelength Decoder. The name lacks a certain flair, but I assure you, if my suspicions are correct, something in the puppet's very ergo is causing their aggression. My decoder can find malicious signals within the waves, but I cannot possibly get close enough to gather the ergo wave records myself. I refuse to believe the King of Puppets is truly behind this puppet rampage. It's too simple, but also a bit too much even for him. No. I suspect the ergo itself is corrupted. I do so desperately want to find the cause, as I'm sure you do too, my friend. Ergo Wavelength Decoder. Hey, kya bhaiya exactly? आई थिंक वो कोई स्टोरी का आइटम है ना, अपन अभी यूज नहीं कर सकते. अपने पास एक ही कॉर्ड्स पड़ा है. ये बॉस ने कॉर्ड क्यों नहीं गिराया, मैं ये सोच रहा हूँ. वो जो कॉर्ड है अपने पास वो कहीं और से मिला था. वो उसको मिनी बॉस को जो लास्ट एपिसोड के एंड में मारा था ना, उससे मिला था अपन को. एनर्गो वेवलेंथ डीकोडर लेफ्ट बाय वेनेगिनी दिस डिवाइस फाइंड्स एरर्स इन द. मुझे लग रहा है स्टोरी वगैरह में कहीं पर यूज आएगा या फिर कहीं पर क्वेस्ट वगैरह में यूज आएगा. अभी तो नहीं आ रहा है. अच्छा ये तो बदला ही नहीं, जो नया आम अपन ने लिया बट वो आम लगाया ही नहीं यहाँ पे. Okay. अच्छा मैं एक साथ दो लगा सकता हूँ. दो अभी मेरी कैपेसिटी है. उसे फुल होने देते हैं, उसके बाद दो लगाते हैं एक साथ. ये आम की वजह से मैं ओवरवेट चले गया. कुछ तो एक आधी चीज बदलनी पड़ेगी. अभी ये करेक्ट 80% पे लाके छोड़ा अपन को. कोई नहीं ना, एक एक पॉइंट डाल लेंगे अगर अपन. एटी वन पे है ना. अगर अपन एक पॉइंट कैपेसिटी में डाल ले तो सब ठीक हो रहा है क्या, देख लेते एक बार. There we go. हो गया. व्हाट्स में एक पॉइंट डालते हैं, उसके बाद एपिसोड रैप अप करते हैं. अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे अपन. सवाल ये कि क्या चाहिए अपन. एक और हील मैं सोच रहा हूँ ये वाले, इसमें ये दोनों उठाए. बाकी तुम चाहो तो तुम चारों उठा सकते हो, क्योंकि दो उठाने के बाद अगला खुल जाता है. ये तुम्हें ग्राउंड से अगर जब तुम नीचे लेटे हो तब तुम्हें एक डॉज देता है. ये भी यूजफुल लग रहा है, बट मैं सोच रहा हूँ पहले ये दोनों उठाए जाए. एट द एमलेट स्लॉट एंड इंक्रीजेस द पल्स सेल कैपेसिटी. पहले इसको देखते हैं.
Enhance fatal charge attack, enhance weapon attack, lowers the guard regain, lowers charge attack stamina consumption. That sounds useful. Reduces stamina consumption from dash. Lowers legion, okay, lowers weapon durability, lowers stamina consumption when discharged. Increases consumable effect, special grindstone, increases effect duration by 1. Enhances guard regain recovery. Basically अपन जब वापस हिट करते हैं तो अपनी कितनी HP वापस आ रही है. Enhances fatal attack pulse cell charge, lower damage when discharge, lowers guard regain reduction, enhances attribute resistance, lowers damage of charge attack slash, enhances pulse cell recovery by 1. चार्ज अटैक का स्टैमिना कंज्यूमशन कम कर रहा है. अपन चार्ज अटैक करते तो है, ये उठाते. अब मुझे यहाँ पे एक और कॉर्ड जाना पड़ेगा तब अपना पल्सल अनलॉक होगा. और ऐसे नहीं होगा. ये है क्या? नो सेव्ड शेप मेमोरी ऑफ ऑन द डिवाइस. ओके एनीवेज गाइस, एपिसोड अपन यहीं पे रैप अप कर लेते हैं. जो बच्चे NPCs है यहाँ पे उनसे मैं बात कर लेता हूँ. कुछ अगर निकल के आते हैं इंपॉर्टेंट स्टोरी का, या फिर मैं कुछ वेपन या कुछ खरीदता हूँ तो मैं अगले एपिसोड में बता दूंगा. आई थिंक वो हाउंड भी इधर ही गई है, जो वेपन बेचता है ना, ढूंढना पड़ेगा वो किधर है. तो उससे मैं बॉस वाला वेपन देखता हूँ. प्रॉबेबली मुझे देख के वो वेपन लग तो नहीं रहा था कि वो स्ट्रेंथ वेपन है. जो अपना स्पेक्टर यूज़ कर रहा था ना समन, वो वही वेपन यूज़ कर रहा था. एनीवेज सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड. आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.